जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल गुरुकुल आवासीय बाल विद्यालय पर, जहां हम सभी जानने वाले हैं बिहार छात्रवृत्ति के जो सैट का एग्ज़ाम होता है क्लास 8 के लिए, उसका आंसर की यानी कि उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका हम लोग सभी उत्तरों का, सभी प्रश्नों का जो सही उत्तर है वो हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं आपको बता दूँ कि इस आंसर की को तैयार करने में बहुत ही ध्यान रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सही हो इसका, और लगभग सभी आंसर सही भी हैं, कि फिर भी यदि अगर एक दो क्वेश्चन का आंसर अगर रॉन्ग हो जाए ऐसी संभावना है तो उसको मैं आपको कमेंट में करके बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए, जो ये क्वेश्चन है, ये जो परीक्षा है, ये राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आय सह मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा 2022 का है, जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए होता है। और ये मुख्य रूप से जो क्वेश्चन पेपर है जो आज के डेट में यानी कि 27 फरवरी 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, वो क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग एक एक करके इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, और आप उसको संभवतः अपने आंसर के इसे मिलाकर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका रिज़ल्ट हो पाएगा या नहीं, और जितने बच्चों का रिज़ल्ट हो पाएगा उनके खाते में ये स्कॉलरशिप की राशि कैसे जाएगी, ये भी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो यदि आप जो है सो इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी नया वीडियो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि भौतिकी जो है ये 35 प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, सामाजिक विज्ञान से 35 और 20 प्रश्न गणित से पूछे गए हैं। हम लोग सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, यदि इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल ये 90 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें अप्रॉक्स आप अगर 40 अंक ऑब्टेन कर लेते हैं तो लगभग ये संभावना है कि आपकी ये छात्रवृत्ति परीक्षा में आप छात्रवृत्ति लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो चलिए, अब अपना आगे बढ़ते हैं, आप लोग चेक कीजिएगा और चेक करके कमेंट में मुझे निश्चित रूप से बताइएगा। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान समूह का आंसर, है ना, जो कि सबसे फर्स्ट भाग में है, और उसमें कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर है। सबसे पहले फिजिक्स आता है हमारा। देखिए, कहता है जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है, यानी देखिए इसमें क्या होता है ना, रिजल्टेंट फोर्स काम करता है, यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो काम करता है। यहाँ ध्यान दें, जैसे कि हम लोग बात करते हैं फोर्स की, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स काम करता है, जैसे कि एक फोर्स इधर से लग रहा है और फिर इसी पर एक फोर्स इधर से लग रहा है। तो अगर मान लिया जाए कि इधर 5 न्यूटन फोर्स है और इधर से 6 न्यूटन फोर्स है, तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ये 1 न्यूटन का होगा, यानी जो बॉडी है हमारा वो इधर मूव कर जाएगा 1 न्यूटन फोर्स के साथ। तो इसमें हमने क्या किया, दोनों का डिफरेंस कर लिया। तो रिजल्टेंट फोर्स में हम लोग डिफरेंस करते हैं, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए ये एक निश्चित दिशा देता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उसका परिवर्तन कर सकता है। तो देखिए, अगर हम किसी भी पिंड पर, किसी भी बॉडी पे यदि फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो उसका दिशा, आकार, गति, ये सब कुछ को बदल सकता है, ठीक है। अगला कहता है कि स्नेहक के पदार्थ हैं जो, तो ये घर्षण को बढ़ाएं, यानी कि ये क्या करते हैं, स्नेहक के जो पदार्थ हैं वो घर्षण को बढ़ाते हैं। अब आता है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण किसके द्वारा संबंधित है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के। पहला नियम कहता है कि जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों जो है सो एक ही तल में होता है, यानी तीनों का प्लेन सेम होता है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। और सेकेंड कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया, ये दोनों का दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ जो ऑप्शन 3 है वो एकदम इसका सही आंसर है। आई इज इक्वल टू आर, आई से आपतन कोण को दर्शाया जाता है यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कहता है कि एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक उल्लू रात में साफ देख सकता है और दिन में नहीं देख सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास बड़ी संख्या में सलाएं और कुछ शंकु होती हैं, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं, और इसके पास जो कोन्स होते हैं वो कुछ ही होते हैं। तो जो भी जीव जंतु के पास कोनों की संख्या कम होगी वो दिन में नहीं देख पाते हैं।
अगला आता है कि एक पेंडुलम के बारे में आप क्वेश्चन दिया है, एक पेंडुलम 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है तो इसकी समय अवधि क्या होगी। तो देखिए इसका हमको टाइम पीरियड निकालना है और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2π रूट अंडर एल बाई जी। इस वाले फॉर्मूला पे आप रख के इसको निकाल लेंगे। मैं इसे तो सॉल्व यहाँ नहीं कर सकता, इसका आंसर 0.25 सेकंड आएगा। ये सही आंसर है। किस ग्रह में सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो ये तो आप जानते होंगे, सोलर सिस्टम अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इसमें आगे भी जानना चाहते हो, मैं कभी इस पर सोलर सिस्टम पढ़ा दूंगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छा से मिल जाएगा इसमें। तो ये बृहस्पति होता है, जुपिटर होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं बृहस्पति के पास। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? देखिए तो प्रकाश वर्ष को देखते ही लगने लगता है कि ये प्रकाश वर्ष लाइट से रिलेटेड होगा या कुछ होगा, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रकाश वर्ष जो है ना सो डिस्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। अगला आता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, करेक्ट क्या है? तो ध्यान दीजिए, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है उसमें बॉडी एकदम ही मूव नहीं कर पाता है, एकदम से वो बॉडी को पकड़ के रखता है, इस तरह के फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं से स्लाइड कर रहे हैं, एक फिसलन पट्टी है जिससे आप गाड़ी उतार रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा फ्रिक्शन लगता है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ये स्टैटिक फ्रिक्शन से काफ़ी कम होता है। तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन यानी कि जैसे आप किसी बॉडी को सरफेस पे लुढ़का देते हैं और उस बॉडी और सरफेस के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कहता है निम्न में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो देखिए क्लास 8 की NCERT बुक में भी दिया हुआ है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है ये कुचालक होता है विद्युत का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता। लेकिन यही बात की जाए डिस्टिल्ड वाटर के जगह पर वाटर की, तो ये वाटर जो है सो कंडक्टर ऑफ करंट होता है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा। LED का जो शॉर्टर लेग है वो ऑलवेज कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अच्छा अब टेरिलिन की बात करते हैं। एक रेशम और कपड़े करके एक चैप्टर है ना, क्लॉथ एंड फाइबर्स, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है आपको। टेरिलिन जो है सो पॉलिस्टर का एक टाइप है, इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं, इसको आपको याद रखना होगा कि टेरिलिन एक पॉलिस्टर का टाइप है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कहता है भारत में रियान का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो वो केरल में स्थापित हुआ था। कहता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, तो यानी कि वो जो है मतलब वो तापमान, वो टेम्परेचर जहां वो बॉडी जो है सो जलने लगता है पहुंचकर, तो वो तापमान ज्वलन ताप कहलाता है। आग उत्पन्न करने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो देखिए अगर आपको आग उत्पन्न करना है तो आपको ईंधन, वायु और ऊष्मा तीनों की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण के लिए कोलतार के स्थान पर कौन सा पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है? तो देखिए कोलतार के स्थान पर बिटुमेन यूज़ किया जाता है, ये भी एक तरह का पेट्रोलियम पदार्थ ही है, यानी कि पेट्रोलियम को ही रिफाइन करके बिटुमेन प्राप्त होता है। मृत बृहस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो देखिए मृत जो वनस्पति हैं और ये धीमे प्रक्रम से जो इनका परिवर्तन होता है तो वो कहलाता है मतलब जीवाश्म कहलाता है ना, तो वो इसमें से कोई नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो देखिए सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक, ये तीनों ऐसे हैं जो कि मेटलॉइड्स हैं, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण इनमें पाए जाते हैं। ये धातु और अधातु चैप्टर से ये क्वेश्चन आपका आया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 18 का। इनमें से कौन सा ऐसा अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट ही एक ऐसा अधातु होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, ये धातु नहीं है फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। अधातु के ऑक्साइड कैसा व्यवहार करते हैं? तो अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय व्यवहार करते हैं, यानी अधातु के साथ यदि हम ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो ये अम्लीय करते हैं। वही बात की जाए धातु को अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वो क्षारीय व्यवहार करते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर डैश प्रभाव उत्पन्न होता है? तो रासायनिक और चुंबकीय दोनों प्रभाव इसमें उत्पन्न होता है। प्रतिवर्ष ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये तो याद करने योग्य बात है।
वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए है और ये एकमात्र हमारे बिहार का टाइगर रिजर्व है, ये आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है और एकमात्र बिहार का टाइगर रिजर्व है जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारे पश्चिमी चंपारण में स्थित है। मनुष्य के लैंगिक प्रजनन में माता और पिता के कितने गुण सूत्र युग्मज, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। युग्मज यानी कि पेयर, युग्मज का मतलब होता है पेयर। तो देखिए, माता पिता से जो बच्चों को मिलता है वो 23 गुण सूत्र मिलता है। हाँ, 22 नंबर ऑप्शन भी बहुत सारे बच्चों ने टिक किया है। वहाँ क्या होता है ना कि 22 गुण सूत्र सेम होता है पुरुष और स्त्री दोनों में, और एक जो पेयर होता है ना ये सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए होता है। ये तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि माता पिता से कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं नए जनरेशन में। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं, यानी कि इसका 23 आंसर करेक्ट होगा। अब देखिए, लड़कों में जो पुरुष हार्मोन होता है वो एक स्टूडेंट है जो कि थायरॉक्सिन लगाया, तो थायरॉक्सिन इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर है वो टेस्टोस्टेरोन होगा। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन होता है जिसके कारण दाढ़ी मूछें ये सभी जो है, जो भी पुरुष का जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है या प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये टोटल टेस्टोस्टेरोन के ही कारण जनित होता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टीज से निकलता है, इसे हम मेल हार्मोन कहते हैं। तो इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, निषेचन की जो प्रक्रिया है वो यूट्रस में संपन्न होती है यानी गर्भाशय, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। एक जटिल जीव बनने में सही संयोजक, तो देखिए इसका आंसर काफ़ी आसान है। सबसे जो छोटी इकाई है जीवन की उसे हम सेल कहते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेन, और ऑर्गेन के कॉम्बिनेशन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सो बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला आता है, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वनस्पति, वन्य जंतु और जनजातियों के पारंपरिक जीवन के बचाने के लिए संरक्षित क्षेत्र को जीव मंडल रिजर्व कहते हैं, जहां पर जो भी ऐसे जीव हैं जिन्हें संरक्षित रखा जाता है और यहां हम लोग जाकर घूमते हैं और इन जीवों के साथ मतलब आनंद भी उठाते हैं, इनको देखकर लोग भी उठाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला कहता है, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बताइए। तो देखिए, ग्रीन हाउस जो प्रभाव है इसको तो डिटेल्स में समझना थोड़ा सा समय लगेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है ना, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव यही होता है, जिसके कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब बढ़ जाना, यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। खेत में खपतवार हटाना निराई कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को हम खरीफ फसल कहते हैं, ये आप निश्चित रूप से याद रखेंगे। गेहूं में रस्ट रोग होने का कारण कवक होता है, 33 का ऑप्शन नंबर 1 कवक होगा। जीवों में निरंतरता के लिए आवश्यक है श्वसन, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी ऑर्गेनिज्म के लिए श्वसन आवश्यक है, यानी कि पाचन क्रिया कुछ दिन के लिए अगर बंद भी हो जाए कुछ घंटों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रजनन क्रिया अगर एक जन नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, और उत्सर्जन भी ना हो एक सीजन तो कोई दिक्कत नहीं होता है। उत्सर्जन यानी जो हमारे बॉडी से पसीना आता है, हम टॉयलेट जाते हैं नहीं हो, लेकिन अगर हम श्वसन एक सेकेंड भी बंद कर दें तो हम मृत हो जाएंगे। एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है, यह महिलाओं में पाया जाता है। जैसे पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, उसी तरह से महिलाओं का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, ये याद रखने योग्य बात है आपकी। अब आता है हमारा सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था? तो 1498 में वास्को डिगामा आया था, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कार्नवालिस। 38 नंबर जो प्रश्न है वो, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बिरसा मुंडा इसके नेता थे। जूट युद्धों प्रधान केंद्र कहा जाता है, यानी जूट उद्योग का जो प्रधान केंद्र है वो बंगाल में कहा जाता है। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो वो होगा इसका सही आंसर असहयोग आंदोलन। डांडी गुजरात में पड़ता है, 48 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि यहीं से महात्मा गांधी ने अपना नमक सत्याग्रह आंदोलन, जो सॉल्ट डिसोबीडियंस मूवमेंट है, वो यहीं से स्टार्ट किया गया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, इसलिए 42 का जो आंसर है वो 4 करेक्ट है। काला कानून किसे कहते हैं? जो रोलेट एक्ट था जिसके कारण हमारे देश के कई नेताओं ने अपनी जान की बाजी लगा दी, जालियांवाला बाग कांड भी इसी से रिलेटेड है। तो
काला कानून के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो 1942 में शुरू हुआ था, इसलिए 44 का जो आपका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सॉरी थोड़ा सा नीचे आ गया ये। हाँ तो हम थे क्वेश्चन नंबर 45 पे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसे किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा 46 का। बिहार में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, और इसके लिए ही हम सभी चंपारणवासी बड़े ही फख्र के साथ बापू को याद करते हैं। अब आते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है। तो ये संयुक्त है, न निजी है न सार्वजनिक है, ये दोनों यानी कि निजी और सार्वजनिक दोनों को मिलाकर संयुक्त क्षेत्र का है। जिस कृषि से किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति करने खेती करता है उसे कहते हैं निर्वाह खेती, यानी कि वो इसको फसल को बेचता नहीं है, बस वो खेती से जो अनाज आता है उसे खाकर अपना परिवार का जीवन यापन चलाता है। इसलिए हमारा जो है 49 का ऑप्शन नंबर सी निर्वाह कृषि सही होगा। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, रोजगार, यानी जनसंख्या परिवर्तन का कारक रोजगार नहीं, यानी 50 का ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 नंबर रोजगार सही होगा। नवीनकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो नवीनकरणीय संसाधन का जो उदाहरण है वो नहीं है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला और बायोगैस। नवीनकरणीय यानी कि इसका एक बार यूज़ करने के बाद इसको फिर से रिसाइकल नहीं किया जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोयला इसका सही आंसर होगा। इसका आप एक बार यूज़ कर लेते हैं तो यह फिर से दोबारा आप इसको यूज नहीं कर सकते। नहीं, कौन सा मानव निर्मित संसाधन है, तो कैंसर उपचार की औषधियाँ ये जो हैं सो मानव निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा दिया गया एक संसाधन है। ठीक है, अगला आता है प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण बैंक नहीं है। टिस्को किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है, तो वो जैविक सामग्री गोबर, रसोई के अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 55 का 4 सही है। अब आता है धात्विक खनिज पाई जाती है, ये 56 का 1 होगा। अग्नि तथा कायांतरित चट्टानों में विश्व में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो होगा ब्राजील, 57 का 1 नंबर आंसर सही होगा। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है, कोयला को काला सोना कहा जाता है, 58 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश का सर्वोच्च कानून है, तो वो होगा किसी भी देश का जो सबसे सर्वोच्च कानून होता है वो संविधान होता है, और हमारे भारत का भी जो सबसे सर्वोच्च कानून है वो संविधान ही है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है, यानी 60 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। संसदीय कार्रवाई का मुख्य हिस्सा निम्नलिखित में से कौन नहीं है, तो सरकार की नीतियों की आलोचना करना, ये संसदीय कार्रवाई का मुख्य हिस्सा नहीं है, 61 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन संपत्ति का अधिकार इसकी कोई भी चर्चा हमारे मौलिक अधिकार में नहीं की गई है, यानी कि 62 का जो सही आंसर होगा वो होगा 3। निम्नलिखित में से कौन संसदीय संसद का अंग नहीं है, तो ये न्यायपालिका जो है सो संसदीय संसद का अंग नहीं है, यानी कि ये न्यायपालिका अलग होता है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय जो होता है और सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही भारतीय संविधान का संरक्षण करते हैं, 64 का ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय सही होगा। भारत के विविध सेवा प्राधिकार प्रभावी है 1995 से, यानी 65 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता सहकारी समिति की विशेषता नहीं है, तो जातिवाद का महत्व, 66 का 3। सहकारिता एक संगठन है, ऐच्छिक संगठन, यानी कि 67 का 1 आंसर सही होगा। कुपोषण रोकने के लिए काम कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं निम्नलिखित में से कौन सा है, तो देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FAO और यूनिसेफ, ये सभी संस्थाएं कुपोषण रोकने के लिए बहुत ही मास बेसिस पर काम कर रही हैं, तो 68 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4। किस सदन को संसद के निम्न सदन, संसद का निम्न सदन कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लोकसभा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो है सो राष्ट्रपति करते हैं। तो देखिए अभी हम लोगों ने 70 क्वेश्चंस को कुल इसमें डिस्कस कर लिया और इसमें रह गया है 20 क्वेश्चन मैथ्स का, तो वो तो आप थोड़ा सा एक बार सॉल्व करेंगे क्योंकि उसको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है और जैसे जैसे मैं एग्जाम से आया हूँ उसके बाद से हम लोग बैठ कर क्वेश्चन को ही एक बार करके और सोचे हैं कि बच्चों ने एक बार इसे मिला लें जो कि उनको पता चल जाए कि कितना उनका आंसर सही है या गलत है। तो देखिए आप लगभग इससे आइडिया लगा सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आने वाला है और एक बार आप जरूर इसको चेक कीजिए और चेक करके अपना जो मार्क्स है वो कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से डालिए और जितने बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उनको हम कमेंट में आंसर दे देंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा जैसे कि कैसे हम जिस बच्चों का रिजल्ट आ जाता है उनके खाते में कैसे राशि आ पाती है छात्रवृत्ति की, तो ये सारी जानकारियाँ मैं आपको इस पर